अमेरिका ने बुधवार को उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को नाम लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के साथ यूक्रेन में लड़ने के लिए जाने वाले उत्तर कोरियाई सैनिक बॉडी बैग में वापस आएंगे। अमेरिका के उपराजदूत ने सुरक्षा परिषद को बताया कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग को समझना चाहिए और वे इस तरह के लापरवाह और खतरनाक कदम के बारे में दो बार सोचे। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। अमेरिका की चेतावनी, यूक्रेन में घुसने वाले उत्तर कोरियाई सैनिक बॉडी बैग में लौटेंगे। रॉयटर, वाशिंगटन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में उत्तर कोरिया ने अपने हजारों सैनिकों को यूक्रेन की धरती पर उतार दिया है। इसको लेकर अमेरिका ने बुधवार को उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को नाम लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के साथ यूक्रेन में लड़ने के लिए जाने वाले उत्तर कोरियाई सैनिक बॉडी बैग में वापस आएंगे। कोई कदम उठाने से पहले सोचे किम जोंग उन। अमेरिका के उपराजदूत रॉबर्ट वुड ने सुरक्षा परिषद को बताया कि यदि डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK के सैनिक रूस के समर्थन में यूक्रेन में प्रवेश करते हैं तो वे निश्चित रूप से बॉडी बैग में लौटेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मैं उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग को सलाह दूंगा कि वे इस तरह के लापरवाह और खतरनाक कदम के बारे में दो बार सोचे। रूस बोला, अमेरिका यूक्रेन की मदद कर सकता है तो उत्तर कोरिया हमारी क्यों नहीं। संयुक्त राष्ट्र में रूस के दूत ने बुधवार को सवाल किया कि जब पश्चिमी देश खुले तौर पर यूक्रेन का साथ देते हैं और मदद कर रहे हैं तो उत्तर कोरिया जैसे उसके सहयोगी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मॉस्को की मदद क्यों नहीं कर सकते। रूस के वासिली नेबेंजिया को सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और अन्य से तीखी बहस का सामना करना पड़ा। दक्षिण कोरिया के राजदूत ने उठाए सवाल। अमेरिका, ब्रिटेन समेत अन्य देशों ने रूस पर मॉस्को की मदद के लिए उत्तर कोरिया DPRK से सैनिकों की तैनाती के साथ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और संस्थापक संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। दक्षिण कोरिया के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत जून को खवांग ने कहा कि आक्रामकता के किसी कृत्य का समर्थन करना जो पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है अवैध है। आगे कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा रूस में सेना भेजने से जुड़ी कोई भी गतिविधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बुधवार को कहा कि लगभग 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक पहले से ही पूर्वी रूस में थे और ऐसा प्रतीत होता है कि उनका इस्तेमाल यूक्रेन की सीमा के पास रूस के कुछ क्षेत्र में युद्ध अभियानों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। अमेरिका ने बुधवार को रूस के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करते हुए 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। भारत, रूस, चीन, हांगकांग, UAE, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड समेत दर्जन भर से ज्यादा देशों की इन कंपनियों पर रूस को लड़ाई में सक्षम बनाने और प्रतिबंधों से बचने में मदद करने से जुड़े उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने का आरोप है। अमेरिकी वित्त और गृह मंत्रालय के इन प्रयासों का उद्देश्य उन सभी देशों को दंडित करना है जो क्रेमलिन को सामग्री के रूप में सहायता पहुंचा रहे हैं या फिर फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के ऊपर लगाए गए हजारों प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं।